उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यूपी में तूफानी दौरा कर रही हैं। कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली भी कर रही है। महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। टिकट में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी और छात्राओं को स्मार्टफोन स्कूटी देने सहित कई ऐलान किए गए हैं। कांग्रेस की घोषणाओं पर यूपी सरकार की मंत्री संगीता बलवंत और गुलाबो देवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस की कथनी और करनी को अलग बताया है। इन्हीं मुद्दों पर राज्य मंत्रियों से खास बात की ब्यूरो चीफ शाहिद। उत्तर प्रदेश में चुनाव सरगर्मी तेज है। लगातार सभी पार्टियां महिलाओं के लिए बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी का आज एक बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को सीट देने की बात कही है। वहीं प्रियंका गांधी ने जो छात्राएं हैं उनको टैबलेट, लैपटॉप और स्कूटी देने की बात कही। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की महिला राज्य मंत्री हैं गुलाबो देवी, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से और पार्टियां महिलाओं की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, क्या कहना चाहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हकीकत में महिलाओं की हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से व्यवस्था की है शौचालयों की। इसके साथ साथ महिलाओं को दिए जा रहे हैं आवास, महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे हैं इस, और अब महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की जा रही है। आज महिला रात को 12 बजे भी आभूषणों से सुसज्जित होकर भी कहीं भी घूम सकती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बाल वहां का नहीं हो सकता। सारी महिलाओं के लिए अधिकार दिए जा रहे हैं, चाहे वो गैस के कनेक्शन हो और चाहे वो बिजली के कनेक्शन हो, किसी प्रकार का भी हो, सब महिलाओं के सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, उनकी सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। प्रियंका गांधी की जहां तक प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं, वो सरकार में आएंगी ये तो उनका एक स्वप्न है जो वो देख रही है। प्रियंका गांधी जो है पहले स्वयं में, आप खुद में और अपनी माताजी के अलावा और महिलाओं को तो साथ में जोड़ें ना, तो वो सत्ता में आएंगी और ना महिलाओं को इतने सारी चीजें दे पाएंगी। 3-3 सिलेंडर की बात कर रही हैं, महिलाओं को 40% आरक्षण की बात कर रही हैं, ये केवल हवाई बातें हो रही हैं। इलेक्शन क्योंकि निकट है, ना वो सत्ता में आ सकती हैं और ना इतना सब कुछ कर सकती हैं, महिलाओं को भ्रमित कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। महिलाओं, अब तो इलेक्शन आ रहा है, महिलाओं की बात प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आई तो महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगी। इससे पहले उनका एक बयान था कि अगर उनकी सरकार आई तो बच्चियों को लैपटॉप, टैबलेट देंगी, स्कूटी देंगी। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और पार्टी तो महिलाओं के लिए बड़े बयान दे रही है, आप महिला मिनिस्टर भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कहती नहीं है, करती है। अब तक तो कांग्रेस का आपने शासन देखा, अगर उन्हें महिलाओं के लिए करना चाहिए था तो वो अपने परिवार के अलावा और लोगों के लिए कर सकते थे, लेकिन जब हमारी सरकार को मौका मिला तो विदेश मंत्रालय आपने देखा, आज हमारे बीच सुषमा स्वराज जी नहीं थी, उन्हें दिया गया था। रक्षा मंत्रालय माननीय निर्मला सीतारमण जी को दिया गया था, जो आज वित्त मंत्रालय भी देख रही हैं, स्मृति ईरानी को आप देख ही रहे हैं, तो इस तरह बहुत से बड़े बड़े विभाग। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, देने की बात कही है। इससे पहले भी जब वो जब दे सकती थी तो देना चाहिए था, अभी तो देने की बात कही है, वो दे तब हम लोग कहेंगे कुछ किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कर रही है, जिस तरह सुमंगला योजना है, जिस तरह अहिल्याबाई योजना है, तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर, हर चीज महिलाओं के लिए किया जा रहा है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के दल में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ संगीता बलवंत महिला मंत्री थी भारतीय जनता पार्टी के, जिनका साफ कहना था कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, जब भी करती है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, आगे भी करती रहेगी। कैमरामैन पृथ्वी के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।